नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ज्योति गोविंद ब्लॉग्स में। दोस्तों कैसे आप सभी, उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। हम लोग भी ठीक हैं और आज हम लोगों के लिए बहुत ही खुशी की बात है कि हम लोग को एक यूट्यूबर ने अपने घर इनवाइट किए हैं। तो हम लोग अभी अब शाम का कितना बज रहा है ज्योति? 5 बजने वाला है और ट्रेन छूट जाएगी दोस्तों, तो जल्दी जल्दी निकल रहे हैं लोग। बाकी का ब्लॉग आगे आप लोग देखते रहिएगा, हम लोग इनके घर जा रहे हैं। तो दोस्तों फाइनली ट्रेन मिल गया और इतना ज़्यादा मेहनत करना पड़ा ना, भागते भागते गार्ड साहब होते हैं उनसे बोले हम कि गार्ड साहब गाड़ी रुकवा दीजिए, थकान का मतलब आवाज़ भी नहीं निकल रहा है। तब जाके गाड़ी रुका तो दौड़ के हम लोग दूसरे प्लेटफॉर्म पे चले गए थे। ज्योति का हाल देखिए, सेंटर भी टूट गया इसका दौड़ दौड़ के। पूरा थक गया मैं। अभी ना दोस्तों ज्योति का हंसी छूट रहा है, हम लोग ऐसे चढ़े ना, ऐसे चढ़े कि वो एक यादगार हो गया। ऐसा ट्रेन कभी नहीं पकड़े थे क्या ज्योति? और सफर में अभी धीरे धीरे हम लोग पहुंच रहे हैं। हम तो चढ़े हैं, हम तो इससे भी तेज तेज में चढ़े। शाम होने के आया दोस्तों, अभी शाम होने वाला है। और अभी हम लोग भूजा का मजा ले रहे हैं लोग ट्रेन में बैठे बैठे। आइए आप लोग भी खा लीजिए ट्रेन का भूजा। का जो जी आप पारी को देखिए, पारी अपना अकेले लेकर बैठे खाए। खिलाओ बेटा हमको भी, नहीं खिलाएंगे। दोस्तों आज का हम लोगों का ट्रेन का सफर यहीं पे ख़त्म हुआ। क्या हो गया ज्योति? देखिए इसी ट्रेन से हम लोग आए थे, अभी जा रही है यहाँ से। हम लोग हैं हथुआ में अभी और यहाँ से देखिए ऑटो पकड़ेंगे लोग। क्या ज्योति, बस मिलेगा तो मिलेगा, नहीं तो ऑटो पकड़ेंगे लोग। दोस्तों यहाँ से अभी हम लोगों को ऑटो मिल गया है, ऑटो में बैठ गए लोग, आराम से जा रहे हैं। नींद आ रहा है बेटा, नींद आ रहा है, सो जाइए सो जाइए। वाह, उधर देखो ना, उधर बस खड़ी है, उधर भी एक खड़ी है। हाँ, और अभी हम लोग हथुआ मार्केट में, हथुआ मार्केट का नज़ारा है। दोस्तों अभी हम लोग पहुंच गए लोग और यहाँ से बस थोड़ा ही दूर और जाना है। तो यहाँ एक मार्केट है, तो यहाँ से सोचे लोग मिठाई ले लिया, तो यहाँ पे मिठाई का दुकान है, अभी चलते हैं यहाँ से मिठाई ले लेने। क्या हो रहा था? अभी देखा था कि परी भी उतर गई और मिठाई हम ले लिए हैं। अभी चलते हैं, टेम्पो रिजर्व किए थे वहाँ तक जहाँ हम लोग को जाना है। चलो बेटा चलो जल्दी, चलो चलो चलो। तो फाइनली आप लोगों को जैसा कि आप लोग से हम लोग बताए थे कि हम लोग कहीं जा रहे हैं लोग, तो अभी हम लोग पहुंच गए हैं लोग। और यहाँ तक पहुंचने से पहले हम लोग रुके थे मिथुन भैया के घर से। नमस्ते, यहाँ पे हैं हम तो हाफ है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और आप लोगों से बता देना चाहते हैं कि ये है सुनील भैया के घर, यानी मिथुन भैया के बड़े भैया के घर, जिनके बच्चे का बर्थडे है, तो उसी पार्टी में हम लोग आए हुए हैं लोग यहाँ पे। अभी चलते हैं लोग ऊपर और ज्योति आए भले उनके घर में अंदर। ज्योति ना नर्वस कर दिए, हमको भी और खुद भी नर्वस हो गए ना इसको। अभी आ रहा था लोग ना रास्ते में, तो रास्ते में हाँ इसीलिए पूरा डरी हुई है ज्योति। चलिए अभी कौन होगा, चले चले गए। तो चलिए अभी चलते हैं लोग अंदर और देखते हैं लोग। शंकर भगवान, तो अभी हम लोग पहुंच गए लोग भाभी के घर के अंदर, अभी हम लोग मौजूद हैं। वहाँ बैठे हैं भैया। अब बर्थडे बॉय कौन है? ये है इनका बर्थडे है। अच्छा इनका बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे बाबू। और परी को देखिए आते आते डांस अपना शुरू कर दिया, चोट लग गई।
अरे दोनों कूद रहे हैं, ये गिर गए इसलिए चोट लगा। ए बेटा ना कूदो। और हम लोग भाभी जी से माफी मांगना चाहेंगे क्योंकि हम लोग काफी लेट पहुंचे हैं इनके यहाँ। काश की समय से पहुंचे होते लोग, फिर भी आधा खाना बन चुका है और अभी भाभी और यहाँ पे ज्योति दोनों लोग मिलके खाना बना रहे हैं लोग। ज्योति पूरी बेल रही है और भाभी जी पूरी छान रही है। और अभी दोस्तों बारी बारी से सभी लोग हाथ बटा रहे हैं लोग खाना बनाने में। अभी भाभी चली गई और काजल दी आ गई खाना बनाने। और बच्चों को देखिए, बच्चे खूब सारा मस्ती कर रहे हैं लोग, बैलून को लेके खूब खेल रहे हैं लोग। और परी का भी अकेलापन यहाँ आके दूर हो गया दोस्तों, अभी बच्चों के साथ में मिलजुल के खूब अच्छे से खेल कूद रही है। ये चीज़ देख के बहुत ही अच्छा लग रहा है। और गाइस मानसी का और परी का रिलेशन बहुत ही अच्छा है, दोनों जिस समय से आई है लोग आपस में मिल के खेल रहे लोग। अभी पानी भरने गई थी परी तो बोले मानसी आओ कल चलाओ। और यहाँ पे अभी खा रहे हैं लोग। क्या खा रहे हो मानसी बेटा? हलवा रोटी। क्या देखना है आपको? मुर्गी देखना है। मुर्गी देखने के लिए एकदम परेशान है मुर्गी देखने के लिए। चलो दिखा रहे हैं आपको, देखो 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 देखो, ये भाभी जी का, भाभी जी पाली हैं, बकरी है, मुर्गी है, इसमें देखिए कितना सारा बकरी है। देखो तो बेटा इसका आँख भी जल रहा है, इसका आँख भी जल रहा है बेटा। आप खुश? तो भाग जाएगी मुर्गी, भाग जाएगी बेटा। ना छुओ, काट लेगा, काट लेगा ना बेटा, काट लेगा ना। और यहाँ देखिए बच्चों को, बच्चे सब पूड़ी लेके, पूड़ी हलवा यहाँ बकरी को खिला रहे हैं। बहुत ही अच्छा नजारा है, सोचे आप लोगों से दिखा दे। पूरी बकरी खा गया बेटा, बहुत गुच्छा आया है, पूरी है, जाके ले लीजिए। और अभी खाना पीना बना लिए लोग सब लोग मिलजुल के। अभी हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं लोग और केक का अनबॉक्सिंग भी हो गया है, ये आप लोग दिखाते हैं। क्या लाइट भी कट गया, यहाँ आप लोग देख सकते हैं ये केक है। और अभी कुछ ही देर में केक कटेगा तो वो भी आप लोगों को आगे ब्लॉग में देखने को मिलेगा, बने रहिएगा ब्लॉग के एंड तक। अभी आगे बहुत सारा एंजॉय होगा, साथ मिलके एंजॉय करेंगे लोग। कल ज्योति डांस करेगी, ज्योति भी डांस करेगी आज भौजी के साथ। हमको भाभी बोलती है दोस्तों, आप लोग कमेंट मत कीजिएगा, ऐसे ऐसे करना हमारा आदत हो गया, अपनों को ऐसे ऐसे करते है ना। नकल पड़ गए से खींच लो, वो भी अपनों को ही खींचा जाता है। कौन बात मान चलो, चलिए अभी कुछ ही देर में कटिंग होगा। सभी बच्चों को लग रहा है ना कि इन्हीं का बर्थडे है, चाकू को लेके तैयार हो गया केक कट करने। दूसरा लेके आते हैं, दूसरा दूसरा ले। और दोस्तों अभी सब लोग इकट्ठा हो गए हैं लोग, अभी सेलिब्रेट होगा बाबू का बर्थडे और केक भी कट होगा, तो आप लोग देखते रहिए आगे ब्लॉग में। हैप्पी बर्थडे टू यू, मानसी बोल रही। केक कट भी गया, हमें पता ही नहीं चले। तो हम फोटो खींच रहे थे ना, तो अभी केक कटिंग हो चुका है दोस्तों। हैप्पी बर्थडे कौन नहीं बोला? बोले Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, Akash Babu, happy birthday to you। भैया अच्छे से विश कर रहे हैं, हम भी अच्छे से विश कर रहे हैं। और अभी केक खिलाया जा रहा है सभी को,
खा लो बेटा खा लो। सभी लोग खा रहे हैं केक। मुझे लग गया। सब सबके फेस पे केक जाएगा। और दोस्तों अभी काफी ज्यादा खुशी का माहौल है, सभी एक दूसरे को केक खिलाए, सभी नहीं भाभी जी सबको बारी बारी से केक खिलाए। मिथुन भैया केक कैसा था? सारा गिफ्ट गोदे में उठा अपना था फोटो की जगह। और यहाँ सभी लोग बारी बारी से गिफ्ट दिए बाबू को। फाइनली केक खा लिए हम दोनों, खा लिए भैया के भैया। देख सकते हैं यहाँ पर दो कलर का सब्जी एक ही मिक्स कर लिए हैं दोनों आदमी। हाँ एगो दीदी को कितना बोल रहा है खाइए तो भैया साथ खाएंगे। दीदी को बाहर है मीठन में। दोस्तों अभी देखिए परी पापा खाना खा रहे हैं, हम और काजल भाभी खा लिए हैं लोग है ना। ये हम लोगों का सौभाग्य है और आप लोगों की मदद से हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं कि खाने में बना है पूरी और दो किस्म के सब्जी। कैसे लगता खा के बताइए? हलवा भी बना है दोस्तों पर। बहुत अच्छा। गुड मॉर्निंग दोस्तों, और अभी सुबह के 6 बज रहे हैं, हम लोग अभी अभी सो के उठे हैं लोग। और रात को मिथुन भैया और काजल दी अपने घर लेके आए थे, आप लोग देख सकते हैं। और यहीं पे रात भर सोए थे लोग, ज्योति यहाँ अंदर सोए थी इस रूम में, और हम आराम से मस्त सोए थे उस छत पे मिथुन भैया के। काजल और आज देखिए आज हो सकता है ना कि यहीं पर हम लोग रुके लोग कुछ काम से, तो आप लोगों को आगे ब्लॉग में देखने को मिलेगा। फिलहाल इस ब्लॉग को रहने देते हैं यहीं पे, आशा करते हैं कि हमारे साथ आप लोग भी खूब सारा एंजॉय किए होंगे इस ब्लॉग में। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ साथ बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए। बाय बाय दोस्तों।